दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे व्लॉग में। तो अभी देखो, फल फूल काट रहे हैं हम, क्योंकि मम्मी का है थोड़ा सा तबीयत खराब, तो उसके वजह से अभी उसका जो डाइट है पूरा चेंज हो गया है। तो अभी इसमें बस जितना भी मतलब हेल्दी खाना होता है बस वही उसको मिलता है खाने के लिए। और यहाँ पे सेब कुछ छिलते छिलते मस्त हम गाना गा रहे थे, तो अभी सेब छिलना छिल के खाना ये सब चीज़ बड़ा तो मतलब बकवास काम लगता है। तो यहाँ भी हम चल रहे थे खीरा, सेब और ये शलजम जो बीट रूट जिसको बोलते हैं, और बीट रूट तो भाई खाने में तो बड़ा ख़राब लगता है पर हेल्दी भी उतना ही होता है, तो उसको तो डाइट में डाइट से बाहर निकाल नहीं सकते। तो यहाँ अभी ये काम अभी हम कर रहे हैं मम्मी के लिए, और अपने लिए तो बस हम खड़ा ही सेब खा लेते छील करके। वैसे छील कर खाना नहीं चाहिए पर अभी उसको उतना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ छिलका वगैरह, इसलिए सारा हटा देते हैं, उसके बाद फिर वो देते हैं। तो अभी यहाँ पे सेब वगैरह काटेंगे, उसके बाद बहुत सारा काम है करने के लिए वो करेंगे, और इसी में तो रील भी बनाना है ना, तो वो भी होगा। उसके बाद फिर देखते हैं और क्या क्या काम होता है। तो अभी खीरा तो पहले हम काट लिए थे, उसके बाद फिर याद आया कि चलो अभी सेब और शलजम वगैरह भी जो है उसको भी छील कर काट लेते हैं। उसके बाद फिर इसमें एकदम मस्त काला नमक, जीरा पाउडर और चाट मसाला को छिड़क करके खाने में बड़ा टेस्टी लगता है। पर ये सब चीज़ ना खुद के लिए नहीं हो पाता, दूसरों के लिए हो जाता है पर अपने लिए मेरे से तो नहीं हो पाता भाई। मतलब दूसरों को हम ये सब करके दे देंगे पर खुद नहीं हो पाता। और ये जो शलजम था ना, बीट रूट, वो थोड़ा दिन हो गया था तो थोड़ा सा ऐसा मतलब सूखने जैसा हो गया था। और उसके बाद इसका जो कलर होता है ना, वो हाथ में मेरा लग रहा था तो, और थोड़ा सा छिलने मुश्किल होता है क्योंकि वो मुरझाया जैसा हो गया था, और मुरझाया हुआ चीज़ को छिलने में थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो वही मेरे साथ हो रहा था, और खाने में कितना ख़राब लगता है पर पता नहीं इसी से खून बनता है, भगवान जाने, बस लाल दिखता है। और हाँ, फिर इसको छीलते टाइम याद आया था कि भाई इससे तो कलर भी बनता है, ऑर्गेनिक कलर इससे बनता है, तो बन सकता है, क्योंकि मेरा हाथ पूरा रेड हो गया था और पता है धुलने के बाद भी नहीं छूट रहा था वो, तो ये देखो कितना लाल हो गया था। और अभी तो पूरा काटना बाकी है, बस छिलने में इतना लाल हो गया। और मेरा दूसरा वाला हाथ जिसमें हम रखे थे वो तो, और तो जल्दी जल्दी अब इसको ख़त्म करते काट वाट के, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था करने में। अब जैसे अनार हो गया ये सब चीज़, तो ये सब सब बहुत बोरिंग वाला काम है, मेरे से तो नहीं हो पाता है भाई। मतलब हो नहीं पाता, मन नहीं करता पर करना तो पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो इधर मेरे दोनों हाथ में लग गया था और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मतलब हम कलर लेकर के हाथ में लपेट लिए हैं, वैसा लग रहा था। तो उसके बाद फिर ये देखो अभी बस इसी के साथ हम मस्ती कर रहे थे, बिंदी लगा के देख रहे थे कि रेड होता है या नहीं। तो कलर मतलब जो पढ़े थे उसके हिसाब से यही था कि इससे मतलब कलर भी बनता है, तो उसको जब मेरे हाथ में लगा नहीं है तो हमको याद आया कि अच्छा सही बात है, कलर तो बनता होगा इससे प्रॉपर। तो ये सब चीज़ अभी हो रहा था। उसके बाद देखो अभी हम फिर से आ चुके हैं घर पे, मतलब अभी तो थे बाहर लेकिन आ गए घर, क्योंकि मम्मी का हो गया था थोड़ा तबीयत ख़राब, तो इसके वजह से मेरे को वापस आना पड़ा। तो अभी इधर घर का वापसी का कोई अता पता नहीं था, पर पता नहीं जब भी बाहर जाते हैं वापस आ जाना पड़ता है। तो उसके बाद अभी इसमें अब ये कटा कुटा गया है, अब उसमें डालेंगे बढ़िया से एकदम नमक, काला नमक। उसके बाद फिर उसमें डालेंगे जीरा पाउडर जो आजकल हम भून के ही रखते हैं, क्योंकि मम्मी को देते हैं, तो उसमें थोड़ा डाइजेशन में बहुत अच्छा काम करता है ये। और मतलब ऐसे तो रखना भी चाहिए क्योंकि कुछ भी बनाओ तो थोड़ा ऐसे बन के रखा रहता है ना, तो बस डालने में ठीक रहता है। तो अभी ये देखो कितना बस देखने में कितना खूबसूरत लग रहा था। तो और उसके बाद फिर लास्ट में चाट मसाला डालेंगे, फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसमें एकदम चम्मच लगा कर दे देंगे खाने के लिए। तो ये काम हो जाता है। उसके बाद और भी काम है, जैसे कि आज बनाना है चीला मूंग दाल का। तो ये देखो ये अभी देने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था मम्मी को। तो उसके बाद फिर अभी ये हो गया है, और उसके बाद इधर देखो चावल इधर सोख कर लिए हैं, और इधर मूंग दाल नहीं है, पूरा खड़ा मूंग है, इसको सोख के हैं, इसका बनाएंगे चीला। क्योंकि मम्मी का था कि भाई एक ही चीज़ खा खा के बोर हो गए हैं, तो थोड़ा अलग खाने का उसको मन हो रहा था। तो अभी हम सोचे कि चलो जो मम्मी को दे रहे वही अपने लिए बना रहे थे, कौन इतना मेहनत करने जाएगा भाई, कि एक उसके लिए अलग एक अपने लिए अलग। तो यहाँ पे इसमें सब डाल दिए हैं, मूंग, चावल, लहसुन, जीरा और थोड़ा सा मिर्च, क्योंकि मम्मी को अभी तीखा नहीं खाना है उतना, तो इसके वजह से तीखा नहीं खाने की वजह से ये हो गया है। अब इसको बढ़िया से ग्राइंड कर दिया, और ग्राइंड करने के बाद उसमें अब थोड़ा सा डालेंगे नमक, फिर खड़ा जीरा डालेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद फिर हल्दी डाल करके इसको बढ़िया से फिर तवे पे सेक देंगे
लास्ट टाइम पता है, बस हम मूंगा बनाए थे, वो मेरे से उखड़ा नहीं था, खराब हो गया था, इसलिए चावल डालना पड़ा, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे क्रिस्पीनेस आ जाता है उसकी वजह से, नहीं तो मूंग वाला रहता है ना जो दाल वाला बनाओ ना, तो जल्दी उखड़ता नहीं है, उससे बड़ा दिक्कत हो जाता है बार बार। फिर मेरे को तो लास्ट टाइम में दवा धोना पड़ा था 2-3 बार, और उसके बाद फिर बना भी नहीं था, उसमें थोड़ा आटा ऐड करना पड़ा था, उसके बाद फिर जाकर के उखड़ा था वो। तो अभी तो उखड़ जाना चाहिए, फिर भी देखो उखड़ता है नहीं, डर लग रहा था फिर, क्योंकि लास्ट टाइम नहीं उखड़ा था, तो हल्का अभी सरसों तेल में ही बनाते हैं, क्योंकि रिफाइंड मेरे घर बिल्कुल बंद हो गया है। तो यहाँ पे अब ले लिए हैं ये फ्राई पैन, और डोसा वाला पैन बोल सकते हैं उसको, और उसके बाद इसी पे अभी इसको ग्रीस करके और इस पे डालेंगे बैटर बढ़िया से, क्योंकि अब थोड़ा सा दिमाग में ये भी आ रहा था कि पता नहीं उखड़ेगा या नहीं उखड़ेगा, तो अब तो पहले डाल लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ देखो मेरा बैटर बिल्कुल तैयार था, और इसको ग्रीस करने से क्या होता है ना कि थोड़ा वो ज़्यादा स्टार्टिंग में ग्रीस कर दे तो ठीक रहता है, क्योंकि वो अच्छे से कबड़ जाता है, मेरे से नहीं कबड़ता तो हमको बहुत टेंशन आता है, पहला अगर कबड़ गया तो समझ जाओ कि चीला एकदम बनने को तैयार है, और नहीं तो कबड़ता नहीं होना तो बड़ा आफत हो जाता है भाई, बड़ा टेंशन वाला बात हो जाता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे अब दाल वाल के देख रहे थे कि चलो थोड़ा डल जाइए, तो अभी देखो पूरा एकदम इसको थोड़ा मीडियम फ्लेम पे कर दिए हैं, ताकि अच्छे से वो सेक जाएगा ना, तो फिर कबड़ने में आसानी होगा। उसके बाद थोड़ा ऊपर से भी इसको ग्रीस करेंगे। फिर इधर मम्मी बोली कि टमाटर की चटनी बनाने के लिए, तो टमाटर ले लिए थे, उसमें मिक्स लहसुन वगैरह डाल करके पीस दिए, क्योंकि धनिया था नहीं। तो उसके बाद ऊपर से हल्का सा सरसों का तेल डाले से थोड़ा टेस्ट कहते हैं इन्हांस जाता है। तो ये हो गया, और उसके बाद फिर अभी ये बन गया था, एक बहुत क्रिस्पी बना था, अच्छा लग रहा था खाने में, तो बहुत बड़ा टेस्टी लग रहा था। तो एक बार हम तो थोड़ा सा टेस्ट भी करके देख लिए थे जब मम्मी को देते टाइम। तो इधर देखो हो गया चटनी, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम अपने लिए लेकर के बैठ गए खाने के लिए, चटनी और चीला या जो बोलो। तो अभी बैठ के मस्त अब हम थोड़ा वीडियो वगैरह देखेंगे और फिर खाएंगे भी। तो थोड़ा आजकल जो मेरा डे है ना हेक्टिक जा रहा है, ब्लॉग वगैरह भी नहीं बना पा रही, रील भी प्रॉपर नहीं बना पा रहे, जैसे तैसे मेरा चला जा रहा है, और क्योंकि थोड़ा काम भी होता है, ऑफिस वर्क भी होता है, और साथ में सब हो जा रहा है घर का भी काम, तो थोड़ा सा टफ हो जा रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, और उसके बाद जिसने भी चैनल मैंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज़ कर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर तो मेरा अभी ठीक जा रहा है, पर अभी यूट्यूब मेरा बहुत डाउन हो गया पता नहीं कैसे, इसमें भी मेरा ही गलती, क्योंकि हम रेगुलरिटी मेंटेन करते नहीं है, मेरे से रेगुलर वीडियो बन नहीं पाता है और ना ही उसको डाल पाते, तो जब रेगुलर बनेगा नहीं, जब डलेगा नहीं, तो फिर व्यू कहाँ से आएगा, तो मेरा गलती है भाई, हम तो उसको मानते हैं। तो अभी यहाँ पे अभी हम मस्त खा रहे, क्योंकि मतलब खुद से बनाकर खाने में तो उतना मज़ा नहीं आता, जब सामने वाला कोई देता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, पर अभी तो कोई देने वाला है नहीं, खुद बनाना पड़ेगा, खुद खाना पड़ेगा और देना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी मेरा खाना भी मम्मी से मेरा भी हेल्दी हेल्दी खाना चल रहा है।